सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन रेंडर ड्रैगन के लिए बहुत मस्त सा सेडर। मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दिया हूँ, मतलब कि बहुत लेट से, मेरे से पहले बहुत हजारों यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बना दिया होगा, लेकिन उन लोगों ने बनाया तो मैं भी बना लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे कंटेंट की कमी हो रही है। तो अगर आपको मुझे कंटेंट देना है या फिर आपके पास है कुछ कंटेंट जो आप मुझे दे सकते हैं, तो आप मुझे मेरे रेडिट पेज पे पोस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ रेडिट पेज के बारे में इस सेडर्स के वीडियो में, मुझे खुद नहीं पता। और मुझे पता है कि मैं ये पिछले वीडियो की मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये भी मुझे नहीं पता। और तो सबसे पहले मैं ये नहीं दिखाऊंगा आपको कि ये सेडर कैसा दिखता है, क्योंकि मैं बाकी सबसे कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं पहले आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये सेडर्स कैसा दिखता है और आपको ये सेडर्स यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चलते हैं। सो गाइस, तो इस सेडर्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको मेरे कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिंड मिल जाएगा, तो आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको इस क्रोम में खुल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से उसको डाउनलोड करना है और किस तरह से अपने माइनक्राफ्ट में एक्सपोर्ट करना है। सो गाइस, तो आपको ये मीडिया फायर की लिंक मिलेगी और मीडिया फायर लिंक तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करने में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ये यहाँ पे ब्लू कलर का ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फिर जो आपका जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो एक नया टैब में ओपन हो जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जो आपको एरो का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेंगे, तो आपको उन 3 डॉट पे क्लिक करना है और फिर आपको वहाँ पे 3 डॉट पे जाके यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाना है। सो गाइस, तो यहाँ पे आके आपको ये फाइल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इस फाइल पे क्लिक करना है। सो गाइस, तो फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप्स आएंगे जिससे आप ओपन कर सकते हैं, तो आपको फिर इसमें माइनक्राफ्ट को सेलेक्ट करना है। सो गाइस, तो अभी हमारा माइनक्राफ्ट खुल चुका है, फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे मेरा डुप्लीकेट पैक दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। सो गाइस, तो आपको फिर सेटिंग्स में जाके आपको ग्लोबल रिसोर्सेज में जाना है, फिर आपको माई पैक्स में जाके इसको एक्टिवेट कर देना है, फिर आपको किसी भी एक वर्ल्ड में चले जाना है जिसमें आप ये सेडर्स यूज करना चाहते हैं। सो गाइस, तो अभी फिर आपको यहाँ पे मैं एक वर्ल्ड में जाके दिखा देता हूँ कि ये सेडर कितना ओपी है या फिर ओपी नहीं है।
सो गाइस, तो अभी मैं एक वर्ल्ड में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि ये सेदर किस टाइप पर, मैं आपको टाइम को देख करके भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, आपको इस सेदर में फॉग थोड़े से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर 1.19 के सेदर्स में ऐसा होता ही है। और आप देख सकते हैं कि इस सेदर्स में आपको रियलिस्टिक क्लाउड्स भी मिल जाते हैं और रियलिस्टिक सन भी मिल जाता है। सो गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप और इस सेदर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप खुद इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल इस सेदर को यूज़ कर सकते हैं, आपके लो एंड डिवाइस में भी बहुत अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि मेरे लो एंड डिवाइस से ज़्यादा लो एंड और कोई डिवाइस हो ही नहीं सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।